एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्नैक मैन सहदेव वाल्मीकि स्वागत है आपका। और अभी हम पहुंच गए हैं जमाल गांव में, जो कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक है। तो ये हमारे अंकल जी है, रामेश्वर गरवा। तो इनके खेत के अंदर एक कोबरा स्नैक आ चुका है, जो कि नरमे की भराई कर रहे थे। उसी वक्त इनके जो कमरा बना हुआ है नरमा था, इसके अंदर एक कोबरा स्नैक आ चुका है। तो अभी हम इसको रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो में अंत तक जुड़े रहे, ताकि इसके बारे में हम आपको तमाम जानकारी दे सके। ओके दोस्तों, आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इन्होंने नरमा उठा लिया, लगभग ये थोड़ा बहुत नरमा बचा है। इसी नरमे के अंदर एक कोबरा स्नैक है, जो कि इंडिया का खतरनाक सांप माना जाता है। तो अभी हम इसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो में जुड़े रहे, थोड़ा जोर से आपको बंद करिए भाई। देखिए दोस्तों, ये कोबरा स्नैक हमें मिल चुका है। तो देखते हैं, या एक है या दो है। देखिए दोस्तों, काफी बड़ा सांप है, लगभग इसकी हाइट होगी करीबन, देखते हैं थोड़ा सा बाहर निकाल के इसको। काफी बड़ा सांप दिखाई दे रहा है मेरे को, लगभग इसकी हाइट होगी 5-6 के करीब। थोड़ा जूम करके दिखाइए। देखिए दोस्तों, ये देखिए काफी बड़ा सांप है। तो जो इंडिया का खतरनाक सांप माना जाता है, ये सेप्टिकल कोबरा है। ये देखिए, तो अभी काफी लगभग इसकी हाइट मेरे को देखिए तो करीब नहीं लग रही, छोटा ही है, 5-5.5 के करीब होगा लगभग। देखिए, एक मिनट सोचना, आप बंद करो, खाना सामने जाएगी। देखिए दोस्तों, ये मेरे को नागिन लग रही है, ये नागिन है, नाग नहीं है, नागिन है, पक्की है, क्योंकि इसका हम जायजा लगाते हैं इसके आकार के हिसाब से। और जो थोड़ा इसकी फुर्ती होती है, अगर ये इंसान को बाइट कर ले तो इंसान की मौत भी हो सकती है, अगर वक्त पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, थोड़ा शर्मा बाहर हो जाए। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मेरे को बाइट भी कर सकता है, अगर मैं अपनी सेफ्टी से कार्य ना करूँ तो। देखिए दोस्तों, लगभग इसकी हाइट होगी करीबन 4.5 या 5 फीट के करीब। तो इसका जो फन है, जो इसका यू टाइप का निशान बना होता है बैक साइड में, उसी से इसकी पहचान होती है। और इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर की मात्रा होती है, जिससे इंसान की मौत हो सकती है। और ये इंसान के नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है और इंसान को पैरालाइजेस कर देते हैं। तो अगर वक्त पर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं इसको रेस्क्यू कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी मैंने इसको रेस्क्यू कर लिया। तो करीबन इसकी हाइट है 5 फीट के करीब। तो एक नागिन है, थोड़ा सा बोल कर ओके। देखिए दोस्तों, इसके जो विष वाले दांत है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। कई बार हमारे जो कमेंट करते हैं हमारी वीडियो पे, कहते हैं इसके दांत वगैरह तोड़े हुए होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हम वीडियो बनाते हैं हमारी सारी वीडियो रियल होती है और हम लाइव रेस्क्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसके विष वाले दांत है। ये देखिए, इसने कितना सारा अपना विष निकाल दिया। और देखिए, और इसे परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं, बाकी आप लोगों को समझाने के लिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि इसके दांत वगैरह हम दिखा देते हैं। देखिए इसने कितना सारा विष निकाल दिया है, और इतना विष लगभग 20 इंसानों के लिए बहुत है, क्योंकि 20 इंसानों की ये जान ले सकता है। तो अभी देखिए दोस्तों, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। देखिए, काफी मजबूती से इसने पकड़ लिया। देखिए दोस्तों, ऊपर वाले दो दांत होते हैं जो विष वाले होते हैं, और नीचे के जो जबाड़ी है इसकी, छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक दांत होते हैं आरी की टाइप के। तो उन्हीं से इंसान को ये बाइट करता है और इंसान की जान भी ले लेता है। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिस किसी भाई को अगर ये सांप बाइट कर ले तो आप ऐसा ना करें और झाड़ फूंक के चक्करों में ना पड़े, ताकि किसी इंसान की मौत ना हो। और देखिए, इसने कुछ बैक भी कर दिया। तो जब भी इनको हम पकड़ते हैं, थोड़ा सा इनके घबराहट होती है,
तो इंसान को ये जोखिम तभी पहुंचाते हैं जब इनके साथ छेड़छाड़ की जाए। तो दोस्तों अभी इसको मैं डिब्बे में पैक करने का प्रयास करूँ, तो भाई एक काम करिए, मेरे मोटरसाइकिल के बैग में डिब्बो है वो ले निकल गए। पक्की तसल्ली कोनी है, वो भी सका भी कोनी भी जरूरी कोनी है। भाई का नंबर हो रहा है, देख लियो रे, ले ले सर, फोन में कर दें भाई, कौन कौन था सारा नंबर दिया, चिंता ना करो दी। ओके दोस्तों अभी इसको मैं डिब्बे में पैक कर रहा हूँ, और हमारी वीडियो देख के आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि एक एक्सपर्ट का काम है। अगर हमारी वीडियो देख के आप हमारी कॉपी करोगे तो आपको कोई नुकसान हो सकता है। देखिए दोस्तों अभी इसको मैं डिब्बे में पैक कर दिया लगभग, तो हमारी वीडियो देख के आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि एक एक्सपर्ट का काम है। अगर आप ऐसी गलतियां करोगे तो आपको कोई नुकसान हो सकता है। तो देखिए दोस्तों अभी हमने एक सांप को रेस्क्यू कर लिया है, तो दूसरा भी इनका थोड़ा सा जायजा कि देख लें, ये नागिन मिल चुकी है तो हो सकता है यहाँ नाग भी हो सकता है, तो अभी थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। तो चक्के देख लेते हैं, दोस्तों यहाँ चूही वगैरह निकल गई है, तो ये अपना भोजन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। थोड़ा चेक कर रहे हैं, ये भी माल थोड़ा भ्रम भी ना रहा है, भ्रम ना रहा है बस यार, उसका भी माल है कई बार की है, इसमें दो भी मिल गया। अब तो मार रहा हूँ, बहुत ज्यादा दिनांक है वो, आज को कोनी, तीन महीना में सांप है। अच्छा, तीन महीना में सांप है तो दूसरो सांप हो भी सके। हाँ भी जरूरी कोनी भी, मैं आप चाहे जो कर लिया उसका कि भाई को नुकसान हो जाए, ये ब्रह्मर हो गया कि कहीं की है ये है, मतलब बहन तो यहाँ होगा तीस दूसरे सांप भी जाए इतना तुमको सांप है, तीन महीना में तो दूसरो तीन महीना पहले भी देख ले, पहले दो तीन बार देख लियो, देखो चूहिया, देखो चूहिया आ रही है इतनी, हाँ चूहिया खातरी ठीक है, मैं कौन ओके दोस्तों हमने इसका भी थोड़ा बहुत जायजा ले लिया, हमें दूसरा सांप नहीं मिला, एक नागिन मिली है। ओके दोस्तों हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा यूट्यूब चैनल है स्नेक मैन सहदेव वाल्मीकि के नाम से, उसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से इन जीव जंतुओं को आप अधिक से अधिक बचा सको, और हम भी इन जीव जंतुओं को आपकी मदद से अधिक बचा सके। ओके दोस्तों हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।